नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 25 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में एक और नए भारी बारिश के सिस्टम की। बात करें डिप्रेशन सिस्टम की, तो पिछले 24 घंटों में जो डिप्रेशन सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल यह नॉर्थ वेस्ट एमपी और आसपास के लगने वाले पूर्वी राजस्थान के भागों के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के जयपुर, इसके अलावा कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज की गई है। इस सिस्टम के अगले 48 घंटों में धीरे धीरे लगभग पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है और 27 अगस्त को यदि देखेंगे तो यह इंटेंस होकर डीप डिप्रेशन की श्रेणी में बनने की प्रबल संभावना है। तो कुल मिलाकर यह सिस्टम दक्षिण पूर्वी राजस्थान से धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेगा और इसके बाद देखें तो ये 29 अगस्त तक करीब सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की तरफ में आगे बढ़कर अरब सागर की खाड़ी में पहुंचेगा। इस सिस्टम के असर से अगले 3 दिनों के दौरान खासकर दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान बनी रहेगी। खासकर कोटा संभाग के जो इलाके हैं, झालावाड़ और आसपास के इलाकों में, यहाँ पे अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। इसके अलावा 25 और 26 अगस्त को उदयपुर संभाग के जो जिले गुजरात से लगने वाले हैं, खासकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा यदि देखें उदयपुर और सिरोही जिला जो है, इन जिलों में भी अत्यंत भारी बारिश की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर संभाग के इलाके हैं, खासकर गुजरात की तरफ के लगने वाले बॉर्डर से, इन जिलों में भी 25 और 26 अगस्त को कहीं कहीं अति भारी बारिश तो कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इस दौरान जालौर, इसके अलावा बाड़मेर और पाली जिलों में भी भारी अति भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। जैसे जैसे ये सिस्टम धीरे धीरे वेस्टवर्ड बढ़ेगा तो भारी बारिश की गतिविधियों में पूर्वी राजस्थान में आप देखेंगे 27-28 अगस्त से कमी होगी। हालांकि 27 अगस्त को भी जो गुजरात से लगने वाले दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं, इनमें कहीं कहीं वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा यदि देखें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के अनेक स्थानों पर तेज हवाओं का प्रभाव भी रहेगा। ज्यादातर स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा दर्ज होगी। वहीं दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गस्टी विंड्स भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके साथ साथ में अगले 2-3 दिन थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली की भी संभावना बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगले 3 दिन दक्षिणी राजस्थान के इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की वेबसाइट का अवलोकन करें। धन्यवाद। भारी वर्षा से निचले इलाकों में कहीं कहीं पर जलभराव हो सकता है तथा सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। राजस्थान मौसम के अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद।